हाय एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं और मैं भी हैं एकदम बढ़िया हूँ। तो फाइनली आई एम सो हैप्पी। मैंने सोचा इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाए। और हैप्पी क्यों हूँ, क्योंकि आज है 24 अगस्त और मेरी हो गई है थीसिस कंप्लीट। अब बस सबमिट करना है। तो इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ और इमोशनल हूँ कि मेरा आयरलैंड में एक साल हो गया है और जो मैं सपना लेकर आया था अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने का, पढ़ने का, तो वो हो गया है ख़त्म। और अब बस रिजल्ट का इंतज़ार है, होपफुली वो भी अच्छा रहे। और इधर मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने घर वालों का, जिनकी वजह से मैं बाहर आयरलैंड पढ़ने आया और अपना सपना एक बाहर विदेश में आने का पूरा हुआ मेरा। सो आई एम ग्रेटफुल टू माई मॉम, डैड एंड माई सिस्टर। और मेरे दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा थैंक्स, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे को यहाँ अकेला फील होने नहीं दिया। खासकर मेरा सबसे जिगरी यार तपेश, तो तपेश को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू भाई, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए हमेशा, मेरे को एंटरटेन रखने के लिए, खुश रखने के लिए। ऑल दो सब ऑनलाइन था, बट आई फील कि तूने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया जब मैं लो फील करता था यहाँ पर, या जब मेरे को कोई डिप्रेशन वाली बात लगती थी। ऑल दो मैं थोड़ा स्ट्रॉन्गली रहने की प्रेफर करता था, बट फिर भी तपेश थैंक यू भाई। और काश अपनी दोस्ती और ऐसी लंबी चलती रहे। और बाकी दोस्तों का भी इसमें हाथ है, बस तपेश का थोड़ा ज़्यादा रोल रहा है। बट बाकी सबको थैंक्स, सबने जितने भी दोस्ती बनाए रखी अभी तक मेरे साथ। और मैं जल्दी नहीं आऊँगा और सबसे मिलेंगे, और आई मिस यू ऑल एंड आई लव यू ऑल। तो वीडियो लेट आने का कारण तो आप सबको पता चल गया, तो अब करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पे बात। तो इस वीडियो में मैं अपना एक साल का एक्सपीरियंस शेयर करूँ आयरलैंड का, कि मतलब क्या क्या चीज़ें न्यू हैं आयरलैंड में जो इंडिया में रहकर नहीं पता होती, और जो लोग आने वाले हैं आयरलैंड में और उनको कहीं शौक ना लगे या अजीब ना लगे, यार ये क्या चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी। तो वही सब चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा इस वीडियो में, और कुछ पार्ट टाइम से रिलेटेड भी कुछ चीज़ बताना ज़रूरी है जो मैंने पिछली वीडियोज़ में कवर नहीं किया है, तो आप देखते रहिए। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर थैंक यू और सॉरी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आप ज़रूर अपनी ज़बान पे बिठा लेना थैंक यू और सॉरी। यहाँ पर आयरलैंड में आने के बाद तो आपको बोलना पड़ेगा हर किसी से जिससे भी आप बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो है फ्रेंच फ्राइज़ जो इंडिया की होती हैं उनको चिप्स बोलते हैं। तो आप कहीं भी खाने पीने जा रहे हो या मैकडी वगैरह में, तो वहाँ पर अगर आपको फ्राइज़ लेने तो आपको चिप्स बोलना है, तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना। और जो चिप्स होते हैं इंडिया के, जो लेज कुरकुरे वगैरह वाले चिप्स होते हैं, उनको यहाँ पर बोलते हैं क्रिस्प्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ कन्फ्यूजिंग है। और जैसे यहाँ पर इंडिया की तरह UPI तो है नहीं फॉर फास्ट ट्रांजेक्शन्स, तो यहाँ पर टैप एंड पे बहुत ज़्यादा चलता है। कोई भी आपकी कार्ड वाली मशीन होती है उस पर बस अपना कार्ड या फिर मोबाइल टैप करो और वो मनी डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर स्वाइप भी करते हैं, पर मेनली यहाँ पर लोग टैप एंड गो वाली चीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसमें कंडीशन होती है कि अगर आपकी अमाउंट 50 यूरो से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको पिन डालना पड़ेगा, अगर उससे कम है तो बस टैप करो विदाउट पिन, वो ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाती है। और मैं सजेस्ट भी आप लोगों को यही करूँगा कि आप लोग भी कार्ड ट्रांजेक्शन ज़्यादा करें ऑनलाइन वाली, कि जिससे आपके पास ये वाली दिक्कत ना हो जो मेरे साथ हो रखी है। देख लो, तो मैंने जब भी कैश पेमेंट करे तो ऐसे सेंट्स मिलते हैं, तो इन सब से बचने के लिए तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा प्रेफर करना, कार्ड वाली मतलब टैप एंड गो। अब बात करूँ बसों की, तो आप एज अ स्टूडेंट आएंगे तो प्रेफरेबल यही रहता है कि आप Flipkart से ही ट्रैवल करें। और Flipkart की अच्छी बात ये होती है कि आपकी एक फिक्स अमाउंट ही लगेगी, चाहे आप 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर 10 किलोमीटर एज ए स्टूडेंट, आपके Flipkart पे अप्रोक्सीमेटली 0.65 सेंट्स या फिर 0.80 सेंट लगेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ डिस्टेंस पे आपका किराया मैटर नहीं करेगा, आपका फिक्स अमाउंट ही लगेगा एज ए स्टूडेंट। और आयरलैंड में बसेज जो होती हैं वो सिर्फ स्टॉप पर ही रुकेंगे, जहाँ बस स्टॉप होंगे डेजिग्नेटेड, ऐसी नहीं कहीं भी बीच रोड पे रुक जाएंगी। तो आप मेक श्योर करें आप जब भी बस रोक रहे हैं तो आप बस स्टॉप पे खड़े हुए हों, अगर आगे पीछे होंगे तो वो नहीं रुकेंगी बसेस। और सेकेंडली यहाँ पर एक अच्छी चीज़ और है कि बसों में वो जो टैप वाला फीचर होता है जहाँ से टिकट निकलती है, अगर कभी कभी वो मशीन उनकी ख़राब होती है तो वो फ्री राइड दे देते हैं, मतलब वो पैसेंजर्स को बस में चढ़ा लेंगे बट पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब मशीन ख़राब है तो वो कैसे डिटेक्ट करेगा आपका Flipkart, या फिर कैश भी नहीं लेते वो फिर। तो मेरे साथ मतलब एक साल के एक्सपीरियंस में मेरे साथ ऐसे 6-7 या 10 राइड्स मैंने ऐसे करी हैं फ्री में, जब उनकी मशीनें खराब थी बसों की। रोड से रिलेटेड एक और चीज़ यहाँ पे बहुत सही है कि जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं
तो आप मेक श्योर करें कि जो गाड़ी आ रही है किसी भी डायरेक्शन से, तो आप उसकी विंडशील्ड जो होती है ना उस पर फोकस जरूर करें, क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते हैं, विंडशील्ड से आपको इशारा कर देते हैं जाने का कि आप रोड क्रॉस कर सकते हो। तो वो एक ये है कि ड्राइवर्स जो होते हैं वो प्रेफरेंस देते हैं पेडेस्ट्रियंस को कि वो पहले करें रोड क्रॉस और हम रुक लेंगे गाड़ियों में। इंडिया की तरह नहीं है कि मतलब लोगों को बोले भाड़ में जाए, हमें पहले गाड़ी निकालने तो फिर क्रॉस करते रहना। तो यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है, तो आप जब भी क्रॉस कर रहे हैं रोड तो विंडशील्ड पे ज़रूर एक बार नज़र डालना, उनके हैंड एक्शन पे। बात करूँ सेफ्टी को लेकर, तो आयरलैंड जो है वो मेरे को काफ़ी सेफ कंट्री लगी है, चाहे फिर वो गर्ल्स के लिए हो या फिर LGBTQ कम्युनिटी के लिए हो, और सारी काउंटीज सेफ हैं। और बस ये है, डबलिन की इमेज थोड़ी ख़राब हो चुकी है आज के टाइम में कि डबलिन इज़ लाइक अ US, जहाँ पर चोरी डकैती और स्टैबिंग नशेड़ी गंजेड़ी ये सब लोग भी रहते हैं। ऐसे नहीं हर जगह डबलिन में मिलेंगे, बट मोस्टली जो प्लेसेस हैं वो डबलिन में होंगी ऐसी। और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप कहीं भी काउंटी में जा रहे हैं तो आप मेक श्योर कर लें पहले कि जहाँ आप रहने वाले हैं वो एरिया थोड़ा गंदा इलाका तो नहीं है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं फ्रिक्वेंटली। तो वो सब आप अपनी रिसर्च कर लेना कि आप अच्छे एरिया में रहें। डबलिन की बात करूँ तो डबलिन जैसे D1, D2, D3 ऐसे डिवाइडेड है, तो D3, D5 जो ऑड नंबर है वहाँ पर लोग प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा गंदे इलाके हैं। तो आप प्रेफर करें कि आप E1 वाले डबलिन एरिया में रहें, जैसे D6, D8, D10 ऐसे में रहें। और कॉर्क में भी ऐसे कुछ कुछ एक दो जगह होंगे जहाँ पर लोग नहीं रिकमेंड करते रहना, थोड़े गंदे इलाके हैं। वैसे ऑल इन ऑल आयरलैंड काफ़ी सेफ है, चाहे फिर आप लड़कियों के लिए मिडनाइट में आप निकल रहे हैं या फिर रात के 2-3 बजे आप आ रहे हैं, तो सड़क काफ़ी सेफ है आपके लिए, कोई क्राइम रेट यहाँ पे तो बहुत लेस है। तो कॉर्क और डबलिन की डिबेट की बात करूँ, कुछ लोग कॉर्क रहना पसंद करते कुछ लोग डबलिन, जैसे मैं भी कॉर्क में रहता हूँ, बट जो भी मोस्टली स्टूडेंट्स आ रहे हैं या प्लान करते आने के लिए वो मेजरली डबलिन ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि डबलिन में ऑब्वियसली टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं, वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आपको डबलिन में ही मिलेंगे। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सारे कॉलेजेस सेम है, एजुकेशन सबकी सेम है, यहाँ पर कोई आपसे एट द एंड ये नहीं पूछा कि आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं। बस ये है कि आप शायद टॉप कॉलेजेस में जा रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी शायद ज़्यादा मिले वहाँ पर, जो कंपनीज है वो ज़्यादा आना प्रेफर करें, या फिर जो उनके जो प्रोफेसर वगैरह उनके लिंक्स ज़्यादा मिलें आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड में, वो चीज़ है। और एज अ काउंटी बात करूँ, कॉर्क जो है थोड़ा शांत इलाका है, थोड़ा पीसफुल लगता है। डबलिन थोड़ा ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड, चहल पहल ज़्यादा है, ज़्यादा लोग वहाँ पे, पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे, सॉरी पॉल्यूशन तो नहीं है कहीं पे भी, तो वही है मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अगर आपको पार्टी या क्लबिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली डबलिन जाएँ, अगर आपको थोड़ी शांति चाहिए पीस चाहिए तो कॉर्क आपके लिए बेस्ट है। और जो लोग कॉर्क में रहते हैं उनको डबलिन थोड़ा बेकार लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, और डबलिन वालों को कॉर्क थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है क्योंकि यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा नहीं दिखते, कम है, पीसफुल है जैसे मैंने बताया। और कॉर्क मेरे को थोड़ी गांव वाली वाइब देता है, मैं हिमाचल से हूँ तो हिमाचल में भी थोड़ी शांति है, दुकानें यहाँ पर भी 7-8 बजे बंद हो जाती हैं, कुछ करने को नहीं मिलेगा आपको 7-8 बजे के बाद अगर आप नाइट पर्सन हो या पार्टी वाले हो, तो वो चीज़ है। कॉर्क मेरे को तो पसंद है, मेरे को रहना अच्छा लगता है ऐसे शांति वाले इलाके में जहाँ पर कोई भीड़ ना हो, हल्ला ना हो, तो आई लव कॉर्क टू बी ऑनेस्ट। आयरलैंड में साइकिलिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ पर अगर आपको अपने घर से कॉलेज तक कम्यूट करना है या फिर पार्ट टाइम के लिए जाना है और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलाय नहीं रहना क्योंकि बसेस यहाँ पर रिलायबल हैं भी नहीं, कभी आपकी कैंसिल हो जाती है या फिर कभी डिले हो जाती है, तो लोग साइकिल का बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप व्हीकल तो ले नहीं पाएंगे अभी कोई कार या बाइक, तो साइकिल आप साइकिल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साइकिल भी यहाँ बट लेकिन महंगी आती है यार, 500 यूरोस की आएगी नई नॉर्मल साइकिल और सेकेंड हैंड 100 या 200 यूरोस के बीच में आएगी, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मल साइकिल ना लें। यहाँ पर इलेक्ट्रिक साइकिल काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, जो क्या कहते हैं स्पीड दो उसकी और वो भागती हैं, आपको पैर पैडल नहीं मारने, तो वो ज़्यादा सही भी है क्योंकि आयरलैंड का जो एरिया है वो प्लेन नहीं है एकदम जैसे दिल्ली की तरह, थोड़ा हिली एरिया है। तो आपको पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आपके पास खूब पैसा है या फिर आपने बहुत सेविंग्स कर रखी हैं और आपको गाड़ी या बाइक लेनी है आयरलैंड में आकर एज अ स्टूडेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिया से ही अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा कर आएँ। उससे ये बेनिफिट मिलेगा कि आप यहाँ पर आयरलैंड में कार खरीद सकते हैं उस लाइसेंस के बेसिस पर, क्योंकि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर वैलिड नहीं है अगर आपको कोई न्यू व्हीकल लेना है तो।
बट यहाँ पर एक चीज है, आप इंडियन लाइसेंस पे कोई कार रेंट ले सकते हैं अगर आपको घूमने फिरने जाने अपने दोस्तों के साथ, बट नई गाड़ी नहीं खरीद सकते। इसलिए इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा कर आए अगर आपका गाड़ी लेने का मन है एज अ स्टूडेंट विद इन अ ईयर। अब बात कर लेते हैं आप सबके फेवरेट टॉपिक पे, पार्ट टाइम से ज्यादा इनकम कैसे कमा सकते हैं। तो आपके हाथ में नहीं है, बस मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे प्रीमियम रेट्स मिलते हैं पार्ट टाइम के। जैसे अगर आप संडे के दिन काम कर रहे हैं या बैंक हॉलीडे पे या फिर नाइट शिफ्ट लगा रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। बैंक हॉलीडेज पे तो ये सिस्टम है कि आपको पे रेट डबल है। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 16 घंटे के पैसे मिलेंगे। और इसको दूसरे वे में समझाऊं तो अगर आपके 1 घंटे के पैसे 10 यूरो हैं तो आपको बैंक हॉलीडे वाले दिन वो 1 घंटे के 20 यूरो मिलेंगे। और नाइट शिफ्ट्स और संडेज के प्रीमियम रेट्स होते हैं 25 या 50% थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है पे रेट अगर आप इन दिनों काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने वाली है कि पार्ट टाइम में जो आपकी ब्रेक्स होती हैं 30 मिनट्स या 15 मिनट्स, वो आपकी काउंट नहीं होती वर्किंग आवर्स में। तो जैसे अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं और आपके उसमें 30 मिनट्स का ब्रेक है तो आपको 7.5 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखना। एक बहुत ही ज़रूरी कंपेरिजन मैं करना चाहता हूँ इंडिया और आयरलैंड का, क्योंकि मैं दोनों कंट्रीज़ में रह चुका हूँ। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है एक साल में, तो मैं कहूँगा कि इंडिया ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड। क्योंकि इंडिया में यार मानव पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन है, डर्टी पॉलिटिक्स है, इन सबको अगर हम दूर रख दें तो एडवांसमेंट की बात की जाए तो इंडिया मच हाइयर रैंक करता है आयरलैंड से। क्योंकि इंडिया में आप देख लो बैंकिंग सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है, हाउसिंग काफ़ी अच्छी है, मेडिकल सर्विसेज काफ़ी अच्छी है। आयरलैंड में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने बैठोगे तो आपके 2-3 दिन लग जाएंगे, सैटरडे संडे को वैसे ही नहीं जाएगा बैंक्स में ट्रांजैक्शन, यूपीआई है नहीं, तो काफ़ी स्लो है। और हेल्थ फैसिलिटीज़ तो वैसे ही ख़राब है आयरलैंड की, स्टूडेंट हैं तो तब तक ठीक है वरना आपको वेटिंग में रहना पड़ता है, हाउसिंग क्राइसिस इतना है आयरलैंड में। तो इन सबको देखूँ तो मैं कहूँगा इंडिया मच बेटर जगह है, बस थोड़ा इमेज ख़राब है बाकी चीज़ों में, बट ओवरऑल इंटरनली देखा जाए तो इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उन सब मामलों में जो मैंने बताई चीज़ें भी। सो फाइनली मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ जो आ रहे हैं आयरलैंड, कि बी रेडी फॉर स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, हार्डशिप्स, ये सब आपको फेस करने पड़ेंगे। पर इन सबसे भी बड़ी चीज़ है कि आपको अपने अंदर सेल्फ बिलीफ रखना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, तो आपको ये सब स्ट्रगल ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। और खुश रहिए हर मोमेंट में यार, हर पल जिए, जीना अपना और हर एक चीज़ नया एक्सपीरियंस की तरह लेना। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़, बड़ी चीज़ जो आप फेस कर सकते हो वो है होम सिकनेस। बट मैं दुआ करूँगा आप सबको होम सिकनेस ना लगे, वरना आपकी लाइफ और टफ बन जाएगी यहाँ पर और आप वीक पड़ जाओगे अंदर से। तो ये चीज़ है, घर वालों से बातचीत रखना, दोस्तों से करते रहना अगर आपको ज़्यादा उनकी याद आ रही है। बाकी ऑल द बेस्ट यार, मुस्कुराइए, आप आयरलैंड में हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, कि कई लोग सोचते हैं या आपने औरों की वीडियोस देखी होंगी कि उनको सेकंड सेमेस्टर से ही जॉब मिल गई, थर्ड सेमेस्टर से ही मिल गई, तो मिलने वालों को मिल जाती है यार, आप भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पर आकर। ऐसा नहीं है, आप अपने रिज्यूम में सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर से ही भेजना स्टार्ट कर सकते हो, और मैंने भी कर दिए हैं। आप देख सकते हो मेरे को तो अभी तक जॉब नहीं मिली है। अब मैं उसको बैठ के रोने लग जाऊँ या मेरे को क्यों नहीं मिल रही, डिप्रेस हो जाऊँ, तो वो चीज़ सही नहीं है। मिल जाएगी जब मिलनी होगी। आप अपने स्किल्स पे काम करिए, आप पढ़ाई अच्छी करिए अपनी, और जो फ्री टाइम है उसमें आप अपने वही स्किल्स डेवलप करिए। और सबसे बड़ी चीज़, कर्म आपको अपने करते रहिए, फल दे देगा ऊपर वाला। बस डेडिकेटेड रहिए और ईमानदारी से करिए जो भी कर रहे हैं। और ठीक है, बस ऑल द बेस्ट यार। कॉर्क में अगर आप आ रहे हैं तो ज़रूर मिलिएगा, और कुछ भी पूछना, बातें करनी है तो मैं ऑब्वियसली अवेलेबल रहता ही हूँ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, तो स्टे कनेक्टेड। तो यही था इस वीडियो में आज के लिए, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।